नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल विभू की क्लासेस में। तो बेटा, आज की क्लास में आपके टॉप 25 क्वेश्चन होने वाले, टॉप 25 प्रश्न होने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन बेटा कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए और मुझे उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखना, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना, क्योंकि बेटा एग्जाम में आपसे कहीं पर भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट आपसे बेटा पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपकी प्रिंटेशन की प्रिंटेड कॉपी प्रोवाइड कराता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिक मार लीजिए, निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपकी प्रिंटेशन की प्रिंटेड कॉपी प्रोवाइड कराता है। तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन होता है जो कि मैं प्रिंटेशन की प्रिंटेड कॉपी हमें प्रोवाइड कराता है, वो होता है हमारा ऑडियंस हैंडआउट। क्या होता है? ऑडियंस हैंडआउट। ऑप्शन में इज द राइट आंसर क्या होगा? ऑडियंस हैंडआउट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, आप टैब से शॉर्ट चुनकर शॉर्ट कमांड खोल सकते हो। आप टैब से शॉर्ट चुनकर शॉर्ट कमांड खोल सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। टिक मार लीजिए, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में छपने वाला है, कई बार एग्जाम में छपा है ये क्वेश्चन। आप टैब से शॉर्ट चुनकर शॉर्ट कमांड खोल सकते हो बेटा। किसके द्वारा खोल सकते हो बेटा? हम खोल सकते हैं डाटा के द्वारा। किसके द्वारा? डाटा के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा, न्यूज ग्रुप है बेटा, न्यूज ग्रुप क्या होता है हमारा? न्यूज ग्रुप क्या होता है हमारा? आपको बताना है इसका राइट आंसर। बेटा न्यूज ग्रुप होता है हमारा, क्या होता है, क्या होता है हमारा? डिस्कशन ग्रुप होता है भैया, डिस्कशन ग्रुप होता है, न्यूज ग्रुप को कहते हैं डिस्कशन ग्रुप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डिस्कशन ग्रुप। क्या होता है? डिस्कशन ग्रुप, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, एक बाइट किसके बराबर होता है बेटा? बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको बताना इसका आंसर। इसका बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। एक बाइट किसके बराबर होता है बेटा? आप पढ़ते हो तो आपका इसका आंसर आप मुझे कमेंट में कीजिए। आप पढ़ते हो बेटा कमेंट में कीजिए। एक बाइट किसके बराबर होता है बेटा? तो बेटा हमारा एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 8 बिट के बराबर एक बाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी लैंग्वेज हाई लैंग्वेज नहीं है बेटा? निम्न में से कौन सी लैंग्वेज हाई लैंग्वेज नहीं है? इनमें तीन ऑप्शन दिए हैं, बेसिक, कोबोल एंड लिप्स। तो आपका इसका राइट आंसर बताना है, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा बेटा? तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट बात तो मैं आपको बता दूं, ये सभी लैंग्वेज जो कि हमारी हाई लैंग्वेज है, क्या है? हाई लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसका बेटा बेसिक से पंडाया, ऑप्शन में इज द राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन में इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? निम्न में से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है बेटा? बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? तो बेटा हमारे इनमें से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? सीडी रोम, रैम। ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, एंड ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इनमें से कोई भी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। हमारी इनमें से कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपने पूछा, निम्न में से कौन सा टैब स्टैंड प्लेस होल्डर का उपयोग किए बिना स्लाइड में टेक्स्ट को जोड़ने की सुविधा देता है बेटा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा टैब स्टैंड प्लेस होल्डर का उपयोग किए बिना स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने की सुविधा देता है बेटा? हमारा कौन सा ऑप्शन होता है जो कि सुविधा देता है हमारा? कौन सा ऑप्शन होता है वो बेटा? हमारा होता है ऑटो सेप टूल। क्या होता है? ऑटो सेप टूल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑटो सेप टूल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, जब आप वर्क शीट को प्रिंट व्यू में देखते हो तब बेटा, जब वर्क शीट को हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट व्यू में देखते हैं, तब हमें किस टाइप की दिखती है बेटा? ऑप्शन ए दिया आपकी पूरी वर्क शीट डिस्प्ले होती है, आपकी पूरी वर्क शीट डिस्प्ले होती है, एंड ऑप्शन बी दिया सिलेक्ट की गई रेंज डिस्प्ले होती है, एंड ऑप्शन सी दिया वर्कशीट में एडिट पार्ट डिस्प्ले होता है, एंड ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। तो बेटा इसका आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा? बेटा इसका राइट आंसर होगा हमारा, सेलेक्ट की गई रेंज डिस्प्ले होती है। क्या? सेलेक्ट की गई रेंज हमें डिस्प्ले होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, टेक्स्ट और अन्य प्रेजेंटेशन अलाइनमेंट्स के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न रंगों को कॉम्बिनेशन को कहा जाता है बेटा? कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा, टेक्स्ट और अन्य प्रेजेंटेशन एलिमेंट्स के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न रंगों को कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। उन रंगों के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है बेटा? बेटा उन रंगों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं थीम कलर। क्या कहते हैं? थीम कलर। ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा, निम्न में से कौन सा स्लाइड का कंपोनेंट्स है बेटा? कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, रट लीजिए। निम्न में से कौन सा स्लाइड का कंपोनेंट्स है? तो बेटा हमारा ऑप्शन ए दिया टाइटल्स, ऑप्शन बी दिया ग्राफ्स, ऑप्शन सी दिया क्लिप आर्ट्स, एंड ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी।
तो बेटा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी, ये सभी हमारे स्लाइड के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में सी डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, एक व्यापार डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में कितने स्टेप होते हैं। बेटा कई बार एग्जाम में रिपीट टिक मार लीजिए, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूछ रहा था क्वेश्चन, एक व्यापार डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में कितने स्टेप होते हैं। बेटा तो बेटा चार स्टेप होते हैं, बेसिक सी बात है, चार स्टेप होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए दिया रैम एक वेल टाइम मेमोरी है, रैम एक बेल टाइम मेमोरी। ऑप्शन बी दिया एक इंटरप्रेटर कंपाइलर की तुलना में लगभग 5 से 25 गुना तेज है। ऑप्शन सी कंप्यूटर चालू होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर मेमोरी में लोड किया गया प्रोग्राम है। ऑप्शन सी दिया बल्ब स्टोरेज के लिए सेकेंडरी स्टोरेज नियोजित है। तो बेटा इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको बताना है, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एक इंटरप्रेटर कंपाइलर की तुलना में लगभग 5 से 25 गुना तेज है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, असेंबली भाषा में कुछ कोड या कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले नाम या प्रतीक प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा, असेंबली भाषा में कुछ कोड या कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले नाम या प्रतीक प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। बेटा उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है आपको बताना है इसका राइट आंसर, उन्हें क्या कहा जाता है। तो बेटा उन्हें कहा जाता है नेमोनिक, क्या नेमोनिक। ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर, नेमोनिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की विशेषता नहीं है। इनमें से आपको आप ही को इसका आंसर बताना है, आप ही को इसके ऑप्शन पढ़ने हैं, सब कुछ आपको करना है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, आप ऑप्शन पढ़ के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट कीजिए आप इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। आपने आंसर सारे पढ़ लिए होंगे, ऑप्शन सारे पढ़ लिए होंगे तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बेटा ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, बार कोड रीडर के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहली बात तो मैं आपको बताऊँ बार कोड रीडर होता है क्या, बार कोड रीडर क्या होता है आप तो जानते हो बार कोड क्या होता है, नहीं पता है तो मैंने इसकी भी आपको पिछली वीडियो बताई थी, उसमें आपने नहीं देखा तो, बट मैं इसमें भी आपको बता देता हूँ। बेटा बार कोड हमारा होता है जिसे आपने किसी भी शॉपिंग, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं, आप से आपने कहीं पतंजलि के शॉप पे गए, ठीक है, तो आपने वहां पे एक बिस्किट लिया, आपने वहां पे बिस्किट लिया, तो उसको स्कैन करने के लिए वहां पे बंदा होता है जो कि हमारे आपने देखा होगा आपके बिस्किट को स्कैन करता है। तो आप सोचते हो भाई करके आ रहा है हमारे बिस्किट के साथ, ये हमारे बिस्किट के साथ करके आ रहा है, मशीन लगा रहा है, क्या कर रहा है वो भाई, हमारे स्कैन करता है जो कि बार उसमें सेट होता है, जो कि हमारे बिस्किट में नीचे बार होता है, बार कोड होता है, वो उसे स्कैन करता है। किसके द्वारा, बार कोड रीडर के द्वारा। वो स्कैन क्यों करता है, स्कैन इसलिए करता है उससे उसको उसके प्राइस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट उसको पता लग जाती है, उसको बिस्किट की सारी डिटेल्स उसको पता लग जाती है, किसका प्राइस कितना है, कहाँ पे बना है, किसने मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे, एक्सपायरी डेट कब है, उससे सब पता लग सकता है बेटा, ठीक है। तो बार कोड रीडर का काम क्या होता है, बार कोड क्या होता है आपको पता हो गया होगा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई है, ठीक है। अब इस थोड़ा इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है, बार कोड रीडर के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया इसका उपयोग वस्तुओं की तेजी से पहचान किया जाता है, बेटा राइट आंसर है, सही बात है भाई। ऑप्शन बी दिया इनमें छोटी लाइन एक सीरीज होती है जिसे बार कहा जाता है, बेटा ये भी सही आंसर है, सही सही है बेटा। ऑप्शन सी दिया बार की वास्तविक पहचान कोडिंग बार की चौड़ाई पर निर्भर करता है, बेटा ये बिल्कुल गलत बात है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। बार की वास्तविक पहचान कोडिंग बार की चौड़ाई पर निर्भर नहीं होती बेटा, वो जितना भी चौड़ा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, बार कोड की बात ऊपर, वो तो उसके ऊपर बात है, ये भाई गलत बात, बिल्कुल ही गलत बात है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्न व्यू में से आप केवल स्लाइड और उसके कंटेंट को दिखाने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन आपसे निम्न व्यू में से आप केवल स्लाइड और उसके कंटेंट को दिखाने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। तो बेटा बेसिक सी बात है, नॉर्मल व्यू का यूज करते हैं, किसका, नॉर्मल व्यू का यूज करते हैं, ऑप्शन में इज द राइट आंसर नॉर्मल व्यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा सीपीयू के दो मुख्य घटक हैं। बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दो सीपीयू के मुख्य घटक हैं। छोटा बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा, हमारे होते हैं कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा शॉर्टकट ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। बेटा बहुत ही घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा गया है, आपको माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है क्वेश्चन, बट आपको इसका राइट आंसर बताना है। बेटा इसका राइट आंसर हो कंट्रोल F12,
क्वेश्चन तो बहुत ही घुमा फिर आगे पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, निम्न में से कौन सा शॉर्टकट ओपन डायलॉग बॉक्स में ओपन करता है? तो कंट्रोल प्लस F12 के द्वारा हम इसको ओपन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है? ये क्वेश्चन आपसे आ गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। किससे आ गया? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से आ गया क्वेश्चन। तो इसमें पूछा निम्न में से कौन सा ऑप्शन फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया FV, ऑप्शन बी दिया NPV, ऑप्शन सी दिया सम एंड ऑप्शन डी दिया PMT। तो बेटा FV भी हमारा फाइनेंशियल है, PB हमारा सा फाइनेंशियल है, PMT हमारा फाइनेंशियल है। तो बचा कौन हमारा? बचा हमारा सम, जो कि हमारा फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठोक दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स को उपस्थित नहीं होता है? बेटा क्वेश्चन आपसे, निम्न में से कौन सा ऑप्शन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में उपस्थित नहीं होता है? बेटा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार लीजिए, स्टार लगा लीजिए, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका बेटा कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा हमारा, आपको बताना है। इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया एड, ऑप्शन बी दिया सब्टूकेट एंड ऑप्शन सी दिया डिवाइस एंड ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है प्रोग्राम में एक्सिक्यूट करता है, वह भाषा कौन सी होती है? बेटा बेसिक सा क्वेश्चन है, हर बच्चे को पता होगा, हर बच्चे को पता होगा। आपको पता है नहीं पता है आप कमेंट कीजिए, आपको पता भी आपको होना चाहिए, आपको नहीं पता तो मेरी क्लास अटेंड किया करो। मैं आपको सारी से मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको जीरो से लेके हाई लेवल तक ले जाऊंगा, बेसिक से लेके मैं टॉप लेवल तक ले जाऊंगा आपको। आप उससे बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बट आप मेरी क्लास को अटेंड करते हो तब आप तो भाई भटकते घूमते हो ना, इधर जाना है उधर जाना है, इधर जाना है उधर जाना है। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन आपसे पूछा, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करता है वह भाषा होती है? बेटा हमारी कौन सी होती है? मशीनी लैंग्वेज होती है। कौन सी होती है? मशीनी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मशीनी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है? बेटा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है? वो हमारा क्या होता है भाई, बेसिक सा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक ड्रम होता है ना, मैग्नेटिक ड्रम होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आपको बता देना चाहिए था, आप तो मैं इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे यह पूछा, अगर आप प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइडों को एक ही तरह देखना चाहते हो, अगर आप प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों को एक ही तरह देखना चाहते हो तो आप निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग करोगे? बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन। अगर आप पीपीटी पर आप यूज करते हो, पावर पॉइंट चलाते हो, तो आपको पता होगा बेटा किस ऑप्शन का यूज करते हैं। वैसे मुझे हर बच्चा चलाता है, मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा चलाता होगा बेटा, हर बच्चे के पास लैपटॉप होगा, हर बच्चे के पास फोन होगा। ठीक है, तो बेटा अगर आप प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइडों को एक तरह देखना चाहते हो तो आप निम्न से किस ऑप्शन का यूज करोगे या किस ऑप्शन का यूज करोगे? तो बेटा किस ऑप्शन का यूज करेंगे हम, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट्स का। किसका? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट्स का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, आपके पास एक पावर पॉइंट शो है जो आपके द्वारा बनाया गया है और किसी अन्य शिक्षक को ईमेल द्वारा उसे भेजना चाहते हो, तो आप अपने ईमेल मैसेज को पावर पॉइंट शो में किस तरह से जोड़ सकते हैं? बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टिक मार लीजिए, स्टार लगा लीजिए, छपने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो किस प्रकार हम जोड़ सकते हैं बेटा, वो हम जोड़ सकते हैं अटैचमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? अटैचमेंट के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, तो भैया आपका आ ही गया आपका, भैया अगर आपने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपको हो सके तो क्लास को शेयर कर दिया करो, क्योंकि आपके हर बच्चा, हर भाई, हर बहन, हर छात्र, हर छात्रा अपने क्लास को अटेंड कर सके। ठीक है, अभी तक आपने अपनी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए बेटा, अभी कर दीजिए, कोई आपसे इसका पैसा नहीं पड़ता है, आपसे कोई पैसा नहीं पड़ता, आपको अपना प्यार दिखाना है, आपके अपने चैनल को प्यार दिखाना है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, प्रेजेंटेशन से बाहर आने के लिए क्या करना होता है? प्रेजेंटेशन से बाहर आने के लिए क्या करना होता है? तो बेटा क्या करना होता है, प्रेजेंटेशन से बाहर आ जाए, ऑप्शन एप्लीकेशन मिनिमाइज बटन का क्लिक करना होता है, ऑप्शन बी दिया डॉक्यूमेंट क्लोज बटन पर क्लिक करना होता है, ऑप्शन सी दिया एप्लीकेशन कंट्रोल मेन्यू आइकन पर डबल क्लिक करना होता है, ऑप्शन डी दिया डॉक्यूमेंट कंट्रोल मेन्यू आइकन पर डबल क्लिक करना होता है। इसका राइट आंसर आपको बताना बेटा, राइट आंसर इसका क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एप्लीकेशन कंट्रोल मेन्यू आइकन को डबल क्लिक करना होता है। क्या? एप्लीकेशन कंट्रोल मेन्यू आइकन को डबल क्लिक करना होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
कोई दिक्कत हो आपको, सभी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है तो मुझसे आप पूछ सकते हो बेटा, आप कमेंट कीजिए आपको किस क्वेश्चन में दिक्कत आई, आप कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आपको कभी भी दिक्कत आती है तो मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो जाते आते मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, हो सके तो क्लास को शेयर कर दीजिए, आपकी तरह हर बच्चा मेरे, हर भाई, हर विद्यार्थी, हर छात्र, हर छात्रा अपनी क्लास को अटेंड कर सके। ठीक है बेटा, तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।